सर पाकिस्तान टूर कितने लोग गए थे, कब गए थे, कहाँ? देखिए, जून 14 तारीख को इस्लामाबाद में मैं फिर से करूँगा, ठीक है हाँ, सर। क्योंकि अंग्रेजी में जो शब्द है उसका हिंदी का क्या होता है, आप इंग्लिश वर्ड भी चर्चा लगा सकते चर्चा हैं। गोष्ठी, हाँ, हाँ, चर्चा सत्र है आप। चर्चा सत्र। हाँ जून 14 तारीख को इस्लामाबाद में एक सेमिनार था, एक चर्चा गोष्ठी थी, भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए एक संवाद था जिसे अंग्रेजी में ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं। तो भारत से हम 14 लोग गए थे, इसका नेतृत्व मणिशंकर अय्यर, जो कांग्रेस के एक नेता हैं, संसद सदस्य हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं। इसमें भारत के पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी भी थे। बीजेपी से NN झा, जो भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं कई देशों में, और कुछ पत्रकार थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसमें मैं भी था, और पाकिस्तान की ओर से भी 14 लोग थे। और पाकिस्तान का नेतृत्व, उस शिष्टमंडल का नेतृत्व वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी साहब ने किया, और पाकिस्तान के डेलीगेशन में भी कुछ पूर्व मंत्री थे, कुछ पूर्व सांसद सदस्य थे, पत्रकार थे, और बहुत अच्छी वार्तालाप हुई। इसके अंत में एक जॉइंट डिक्लेरेशन पारित किया गया, और इस जॉइंट डिक्लेरेशन में हमने कहा कि मई 16 को जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नवाज शरीफ नई दिल्ली आए, भारत के नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए, ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है। पूरे सार्क के नुमाइंदे आए थे, तो मोदी जी का प्रधानमंत्री का जो काल है, एक बहुत अच्छे संकेत से, संदेश से शुरू हुआ है, इसको आगे ले जाना चाहिए। सर इसमें किससे किससे मुलाकात हुई आप लोगों की, कितने दिन रहे? नहीं, वो तो केवल एक दिन का सेमिनार था इस्लामाबाद में, और अन्य लोगों से मिलने की कोई बात नहीं थी। लेकिन उस रात को जब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने एक भोजन समारोह रखा था, उसमें अभी के विदेश मंत्री सरताज अजीज साहब आए थे, उनसे मुलाकात हुई। सर वो वैदिक जी जब हाफिज सईद से मिले तो आप लोगों से कुछ नहीं बताए थे? नहीं, वो तो देखिए, जैसे मैंने कहा, इस्लामाबाद में हम केवल एक दिन के कार्यक्रम के लिए गए थे, और उसके बाद हम सब लोग चले आए। जो बाद में वहाँ रुके उनके बारे में, वो तो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। तो उनके साथ कोई और लोग नहीं मिले हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम जिस मकसद के लिए गए थे, वह यह भारत पाकिस्तान संवाद था, डायलॉग था, जो एक दिन का था, इस्लामाबाद में था। उसके बाद हम लोग चले आए, यानी मैं 3 दिन पाकिस्तान में रुका था, लेकिन उसके बाद किसने क्या किया, वो तो उनका वैयक्तिक निजी एक प्रयास रहा होगा, उसमें हम शामिल नहीं थे। उसको सर आप अच्छा मानते हैं या नहीं, नहीं? उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं दूंगा मैं। ओके, थैंक यू सर।